चौकी बिछाई, स्नान करने लगे। ऊपर उसकी मां मैनावंती देखने लग रही, कंचन के समान, स्वर्ण के समान शरीर चमके। मैनावंती का याद आया कि राजा पद्मसेन भी इतने ही रूपवान, इतने ही गुणवान थे। उसने भी एक दिन काल खा गया, ओ ना हो यो तेरा बेटा भी काल की बलि जागा। ये विचार जब मन में आया, आंखों में आंसू आए, अरे एक आंसू निकल के गोपीचंद की कमर पर आ गया। चारों तरफ देखा, गोपीचंद हो या त्यार, नहाने ने चौकी तुरंत बिछाई। अरे घटा बादली नाम मर में बूंद कड़े दाई, चौगरदे ने देख लिया कुछ नहीं समझ में आया, एकदम ईसा चंबा हो गया, मेरी कांपन लागी काया। बंद करया स्नान, उठ के फिर चारों तरफ लखाया। जब छज्जे ऊपर नजर गई, उड़ रोवे थी जननी माई। जब ऊपर का नहीं आसमान का नहीं देखा, तो छत के ऊपर उसकी मार रोने लग गई। जाके दो रनो बलियारी, तेरा बेटा राजा है, तने के समस्या है? हर समस्या का समाधान तेरे पूत के पास में है। एक बार बता नुबली बेटा, राजा पद्मसेन ने भी काल खा गया, रखा होगा तन्ने भी। चाल तेरा मामा भरतरी आ रहा, तन्ने जोग दुआंगी। नू का आग्रह, संत महात्मा अमर होते हैं, कभी मरते नहीं है। नो बलियारी बुकाए दी तू, मैं एक राजा, तू मना बाबा बना लाग रही, इतना सुहांदा कोने में न्यू। एक बात के द्वारा वो गोपीचंद अपनी माँ को समझाते हैं, साधु समाज हमारे बीच में है, इन्हें न बेराया तपस्या कितनी कठिन हो है। एक आधा कथा चाडा तीन तीन रजाइया में भी नहीं उतरदा, और एक एक महाराज 108 1008 मटकियां की जल की धारा तपस्या करें, इतना आसान काम नहीं है। नो बलियारी मन राजा रहने दे, बात न मान मेरी ने के कहने लग गया। बोलारी मेरी मातरान दे, हेरी मेरी मातरान दे, मतन्यारी जोग दवावे मेरी नो बोलारी मेरी मातरान दे, जोग दवावे तने बेरा नहीं से, तू भुकाई है किसी ने, ये तेरे विचार नहीं है। अरे मां जब मैं नहीं बचूंगा, यहां कोई वारिस नहीं है, जब मैं नहीं बचूंगा इस धारा नगरी ने कौन संभालेगा? अरे हंसी खेल नहीं से, यो काम जो तू करवाने लाग रही। पहली गली में क्या कह दिया, मारे अगत की बे, तेरी सा दुनिया दुख माता मैं।
मैं क्यों कर लूं काया पर हेरी मने खेल खान दे जी के घर से हमारी माता जी 200 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करती है। माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुनील लाइनमैन 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। अरनो बजा देख कदे तेरा न्यू है बैमो कि मैं राजा बन जाऊंगा और फिर तू राजपाट चला लेगी, ऐसा नहीं है। जो सारा सोता मेरे गेल है जब मैं राजा हूं, ये सारे नौकर चाकर जो तेरी टहल करते हैं ये मेरे दम पर करने लाग रहे। जब मैं राजा हूं, जब मैं राजा नहीं रहा ये नौकर चाकर भी नहीं बचेंगे। अरे जिसका राजनीति की खाज हो, दादा जगन्नाथ ने राज धर्म समझाया है, राज कड़े कड़े चाहिए, सत्ता कहां कहां चाहिए। और जिसके पास राज ना हो, घने उदाहरण है इसे, जो सब कहे ना अला दिया करते उनका बेरा नहीं कड़े पड़े हैं। ये घने दिन पहले बताया गया दादा जगन्नाथ दूसरी कली में के नहीं हुआ करता राज बिना। सजा कचड़ी बिन राज मुकदमा थाना, हेरी राज बिना ना इज्जत जग में, राज बिना कोई जाने ना। हेरी मेरी ओड़ ध्यान दे, बचे इस संसार पर इस सृष्टि में जो धरती का तख्ता लाने की ताकत रखा कर दे, जो अपने आप में बड़े विद्वान थे बड़े बलशाली थे, वह भी नहीं बचे। तेरा और मेरा तक ये जिक्र है। तीसरी कली में उनका जिक्र कराया जिनका बल का अनुमान नहीं था, जिनको ज्ञान का अनुमान नहीं था, जो बड़े बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। नोबलारी माँ वह भी नहीं बचे, किन किन के उदाहरण दे दिए, क्या कह दिया।
शिशुपाल भीम युधिष्ठिर दुर्योधन थे उनने भीम खा जाका तेरी से ही से जब चले गए यो क्यों कर बच जा तेरा हेरी मत दूर जान दे मन मत न्यानू तोड़ी पका आखरी कले में नो बलियारी माँ आई बसाड़ रहने दे नो बलियारी माँ यो सारा देश धन माया का तरफ रहे और मने नो लागे जनो तू भी कदे उसे चक्कर में हो जब तू जागी जो कर खा लिया आधा ही दिन में खा लिया जाना है मैं भी खा लिया आधा आधा मन ने भी खा लिया जाना है जो यो सारा दिखा है तने जितने भी महल हवेली नौकर चाकर ये धन माया ये फौज सब कुछ आड़े रह जाएगा मैं ठीक अपने काम लाग रहा हूं मैं ठीक राज लाग रहा हूं करण अरे मां मन तू राज कर लेने दे रहे आखिरी कली में क्या कह दिया ये छोटा सा बच्चा 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं बाबा जी से प्रार्थना है निवेदन है कि इस बच्चे की हजारी उम्र हो कुल का परिवार का नाम रोशन करे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आखिरी कली में आया मेरे गले तू भी क्या कह दिया मंदिर मैल सुबारिया ने फेरी मन न्यू कान दे तने जगन्नाथ समझा Thank you.